नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पितृपक्ष में यानी कि श्राद्धों में आपको कौन कौन से काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, कौन से ऐसे कार्य हैं जिनके करने से आपके कुल देवता पर, आपके पितरों पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और उनका श्राप हमें भोगना पड़ता है। साथियों, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। साथियों, पितृपक्ष में किसी के घर पर भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आपको कोई निमंत्रण देता है या आप कोई समारोह है, जहाँ तक हो सके आपको दूसरे के घर पर भोजन करने से बचना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के घर में उसके देवता पितरों का निवास इस समय में रहता है और किसी के घर पर भोजन करने से उसका बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर, आपके मन और आपके व्यापार पर पड़ सकता है। तो किसी के यहाँ खाने पीने से बचें। किसी भी प्रकार की खाने पीने की वस्तु दान में भेंट स्वरूप स्वीकार न करें, खासकर पितृपक्ष में। साथियों, खाने पीने के सामान से अलग भी यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ भेंट करता है, कुछ आपको गिफ्ट करता है, किसी भी प्रकार का कोई भी घरेलू सामान है, तो आप उसको भी श्राद्धों में स्वीकार ना करें तो यह आपके लिए बेहतर होगा। तेल मालिश, मसाज करना या कराना पितृपक्ष में पूरी तरह वर्जित माना गया है। साथ ही साथ में स्त्री संग करना, मदिरापान, मांस भक्षण आदि भी पितृपक्ष में बहुत ज़्यादा हानिकारक माने जाते हैं। साथियों, जहाँ तक हो सके दिन में सोने से भी आपको बचना चाहिए। दिन में ज़्यादा सोना भी पितृपक्ष में स्वास्थ्य खराब होने का एक कारण बन सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री मंत्र का जाप करें, प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात सूर्य को अर्घ दें और पितृ गायत्री का जाप करेंगे तो वह आपके लिए बेहतर रहेगा। पितृ गायत्री का मंत्र है ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमो स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ये मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा नियमित रूप से एक माला तो कम से कम आप जाप करें ही करें। कामना करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए